हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और देखते हैं, लिखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्कल ड्रॉ ही करता हूँ, हाँ। और आई होप कि हम लोग सभी लोग सर्कल से फैमिलियर भी हैं क्या, तो आप पहचान भी पाएंगे। मैं लिखता हूं, यस। अगर हम एक सर्कल कंसीडर करें, हाँ जी, और सर्कल का कुछ कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो अपने को जरूरी होते हैं, क्या क्या, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कैसे होता है या कैसे ड्रॉ होता है या ये मोशन कैसा होता है, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि सर्कल मैंने ड्रॉ करा, कैसे होता है। अगर एक लोकेशन ले और उससे ना हम लोग, हाँ, इस डिस्टेंस को फिक्स कर दें, हम इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, आर, राइट। और पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव करे कि उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स्ड रहे, समझ रहे हैं। तो जो ये मोशन आता है वो हमारा सर्कुलर मोशन हो जाता है। हम लिखते हैं इसको से, अगर मैं थीटा लिखता हूं, हाँ, हम एंगुलर पोजिशन ऐसे लिखते हैं। हम आएंगे भी कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है या ऐसा ही क्यों होता है, राइट। फिलहाल आते हैं हम सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन पर। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोलूं कि सपोज हमारा क्या बोलेंगे, सीलिंग फैन है और उसके ब्लेड पर आप एक कोई भी डॉट लगा दीजिए, है ना। तो आप लोग उस पर डॉट लगाते हैं, राइट, एंड देन आप उसको ऑन करिए। तो ऑन करेंगे तो आप समझ रहे हैं जो उसका मोशन होगा, हाँ, वो सर्कुलर होगा। आप ध्यान दीजिएगा तो उसका, हाँ, नहीं आएगा सर्कुलर। क्या हो रहा है ध्यान से, कि अगर आप फैन का एक्सेल मानते हैं तो वो आपका फिक्स्ड पॉइंट या जहां से हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं उस एक्सेल से, जो हमने लोकेशन पर आपको डॉट लगाया है, पॉइंट लगाया है, तो उस एक्सेल से उस डॉट का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स हो गया, क्योंकि ब्लेड जो है वो तो रिजिड मटेरियल है, हाँ। तो इस तरीके से वो मूव करे ना, सच दैट कि उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ जी, इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे, होगा ये स्टेशनरी होना चाहिए या मूविंग भी हो सकता है, फिक्स्ड है, तो ये बात आएगी। फिलहाल जो है इस लोकेशन से, एक पॉइंट से पार्टिकल इस तरीके से मूव करे सच दैट कि उसकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड रहे, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। लिखते हैं, इफ अ पार्टिकल, है ना, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सच ए वे दैट, इट्स, हां जी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए ये पॉइंट जो हम लोग बोल रहे हैं वो ना, मैं इसको थोड़ा सा एलिबरेट करता हूं यहीं पर। जो ये पॉइंट है ये आपका फिक्स्ड भी हो सकता है और आपका मूविंग भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, फिक्स्ड और हम लोग मूविंग भी ले सकते हैं, हाँ। हम आएंगे इस पे, हाँ, कैसा, फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट, हाँ जी। तो देन मोशन इज टू व्हाट, सर्कुलर, है ना। देन मोशन इज ना सेट टू बी सर्कुलर। ध्यान से, बिल्कुल, हम पार्टिकल का मोशन इस तरीके से कराएं कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ,
वो फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, तो आपका जो मोशन होगा वो सर्कुलर होता है। बिल्कुल, इसका मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन या हम लोगों ने इसको डिफाइन करा है, राइट। नाउ जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना, जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम इसी को सेंटर बोलते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड टर्म। हाँ, फिलहाल जो अभी हम लोगों ने सेंटर लिखा है ये अभी फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। हाँ, जो मूविंग वाला सिचुएशन आता है वो भी हम लोगों को पढ़ना भी है और आगे हम लोग बात करेंगे भी, है ना। आप अगर मान लो कि एक ट्रेन है, उसमें रुका हुआ है और फैन ऑन करिए, हाँ, तो वो आप ये सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और वही ट्रेन फैन तो ऑन कर दीजिए और ट्रेन को भी मूव कराइए, तो वो थोड़ा मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, या जो भी बोल लीजिए वो कॉम्बिनेशन होता है। तो हम फिलहाल जो है सेंटर को फिक्स्ड करके बात कर रहे हैं, फिर अगला आर्टिकल या अगली बार हम लोग इसको मूव कराते हुए भी बात करेंगे, है ना। तो फिलहाल सेंटर है। सेंटर क्या होता है? जहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। लोकेशन फ्रॉम वेयर, हां जी, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, हाँ जी, रिमेन कांस्टेंट, है ना। नाउ बिल्कुल उसी लोकेशन को बोलते हैं। देखिए एक बात और मैं बोलूंगा, जैसे हम लोग जो लिख रहे हैं, हाँ, ये जो लोकेशन है ये मूव कर सकता है, ये है, तो जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं फिक्स्ड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बातें सही है। ध्यान से, इसके साथ साथ एक बात और होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन के नाम पे, कि ध्यान से अगर फुटबॉल कंसीडर करें तो उसका जो सेंटर है, मैं आई मीन की स्फीयर, है ना, तो अगर आप स्फीयर से भी देखेंगे तो पूरा जो वो सरफेस होता है वो आपका सेम डिस्टेंस पे होता है। बिल्कुल, तो वो अगर मान लो कोई इंसेक्ट है वो फुटबॉल पे चलने लगे तो ये दोनों कंडीशन उसका सेटिस्फाइड है, ध्यान से, बट उसका जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं होगा। क्या दिक्कत आ रही है? हालांकि हमने इसमें कुछ गलत नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए, ये जो मोशन हो रहा है वो आपका एक प्लेन में हो रहा है, जबकि जो मैं इंसेक्ट का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, फुटबॉल जो बात है वो थ्री डायमेंशनल हो जाता है। तो ध्यान से, हम इसका जो काम कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर मोशन है, इसका दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, है ना, रिमेन कॉन्स्टेंट, हाँ, और ये होना चाहिए इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, हाँ जी, हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी होता है मोशन, मोशन इन अ प्लेन, राइट। ना हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और भी इसके जो प्रॉपर्टीज हैं और जो चीजें हैं वो तो आते ही रहेंगे, फिलहाल ये दोनों चीजें हम लोगों ने लिखा। हाँ, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस, में उसको भी लिख देता हूं, है ना। वैसे ये सब कोई डेफिनेशन बहुत टिपिकल नहीं है। तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, विच इज नोन एज व्हाट, फिक्स्ड डिस्टेंस, यस, इज रेडियस। बिल्कुल वही चीज को हम लोग रेडियस बोल देते हैं, राइट। नाउ अब देखिए कैसे होगा ये, कैसे संभव है, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। आइए सपोज, हाँ, अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस जो है तो ये फिक्स्ड रखना है, तो फिक्स्ड रखना है तो आप समझ रहे हैं जो भी इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बिल्कुल, हम जानते हैं, इस स्टेटमेंट को भी हमने बोला है कि मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एक दूसरे को अल्टर नहीं करते। तो अगर हम लोग ओ से ए लिखते हैं इसी पोजीशन की, तो जो इसकी वेलोसिटी होती है, हाँ वेलोसिटी होती है, वो आपके लाइन ज्वाइन मतलब रेडियस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर इसका कुछ भी एंगल इधर उधर हुआ तो आइदर ये इस डिस्टेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा, हाँ, तो ऐसा लगता है क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स रखना है। सिमिलरली यहीं पर नहीं, हम किसी भी इंस्टेंट की बात करेंगे तो वो सिचुएशन आपका यही आएगा।
एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो आपका वेलोसिटी होगा हाँ वो परपेंडिकुलर टू किसके, रेडियस वेक्टर, है ना, अदरवाइज ये इसको कम ज्यादा करेगा। हाँ जी, नाउ इस स्टेटमेंट को भी हम लिख लेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा होगा हाँ परपेंडिकुलर टू किसके, रेडियस वेक्टर, इसको भी लिख लीजिए। इन सर्कुलर मोशन हाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस वेक्टर, है ना, रेडियस वेक्टर। हाँ जी बिल्कुल, ये हमेशा ऐसा होता है और होते ही रहेगा, तभी हमारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहेगा, जो भी सेंटर से या हम जो लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये बात भी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट बात है कि हम इस मोशन को पढ़ने के लिए क्या क्या पैरामीटर डिफाइन करते हैं। सपोज जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था हाँ किसी पार्टिकल का, तो किसी पार्टिकल की पोजीशन लिखते हैं, फिर हम उसके चेंज लिखते हैं टाइम के साथ, फिर हम अगेन डबल डिफरेंशिएशन पे आते हैं, है ना, तो ये तमाम चीजें हम यहां पर भी आएंगे, राइट। बट जो हमारा यहां पर करा जाता है, हम लोग बात करते हैं उसको एंगुलर पोजीशन, है ना, तो मैं लिख रहा हूं आपको एंगुलर पोजीशन, राइट। सर्कुलर मोशन का कुछ और भी बारीकियां हैं जो कि हमारा टाइम टू टाइम आएगा सामने में, है ना, अभी सारा लिख देने से नहीं होता, रटने वाली बात है, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप आएगा तो हम उसको समझते भी चलेंगे। एनीवे मैं लिख रहा हूं एंगुलर पोजीशन, यस एंगुलर पोजीशन। हाँ जी, एंगुलर पोजीशन कैसे मेजर करते हैं या इसको कैसे बताया जाता है, इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग पहले करते थे कि एक हमारा रेफरेंस जो होगा वो पॉइंट होता है, बिल्कुल ये हमेशा रहेगा, समझ रहे हैं, और एक हमारा रेफरेंस लाइन भी होता है, समझ रहे हैं, मैं इसको लिख दे रहा हूं रेफरेंस लाइन। नाउ ध्यान से, और यहां से कोई भी डिस्टेंस को आप फिक्स्ड कर लो और मूव करो, तो मैं एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं हाँ, और ये अगर से कि ए है और ये किसी पोजीशन पर गया है और ये आपका बी है, बिल्कुल क्या करते हैं एंगुलर पोजीशन या एंगल मेजर करने के लिए कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, फिर हम रेफरेंस लाइन लेते हैं हाँ, और जो भी डिस्टेंस होगा आप उसको फिक्स करिए और मूव करिए, राइट। नाउ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये तमाम चीजें भी डिस्कशन में आएगा, बट फिलहाल मैं लिख रहा हूं कि हम इसी तरीके से एंगुलर पोजीशन लिखते हैं। जैसे लीनियर पोजीशन क्या करते थे हम, पहले ओरिजिन माने, बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट एक्सिस मानते हैं हाँ, जो लोकेशन है हो सकता है आप उसको एक्स ही एक्सिस मान लो, हो सकता है एक्स और वाई में आ जाए, तो एनीवे हमारा यहां पर भी दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन, और उसी से फिर हम लोग मेजर करते हैं। नाउ तो अगर आप बात करेंगे तो ये जो हम लोगों ने लिख रखा है हाँ, ये जो थीटा लिख रखे हैं, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है अगर हम लोग थीटा की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आर्क लेंथ, हाँ जी आर्क लेंथ अपॉन व्हाट, रेडियस। ध्यान से ये आता है, अगर आप लिखोगे तो ए बी, हाँ जी ए बी अपॉन क्या जो भी है ओ से ए, से हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ओ मानते हैं, है ना, ओरिजिन जनरली ऐसा लिखा भी जाता है, तो ओ से ए। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इस चीज को लिखोगे तो जो ये आपका डिस्टेंस है हाँ, हम लोग इसको डेल्टा एस बोल सकते हैं, और यही आप आर्क लेंथ लिख रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप थीटा लिखेंगे तो वो आता यही है
हाँ जी, डेल्टा एस अपॉन आर, समझ रहे हैं? बिल्कुल, डेल्टा एस अपॉन आर, हाँ, आर्क लेंथ। तो इस तरीके से ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। नाउ बात आता है कि ये जो थीटा लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिखा जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, हमने लिख दिया, या फिक्स्ड डिस्टेंस। बात आता है कि ये जो थीटा लिखा गया है ना, नो डाउट ये एंगुलर पोजिशन हम लोगों ने बता दिया और हम इस तरीके से लिख लेंगे। बात आती है क्या कि अगर हम रेफरेंस चेंज कर दें, ध्यान से, तो रेफरेंस लाइन मैं चेंज कर रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म आता है जिसमें आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, ये रेफरेंस लाइन जो है हम टू लिख लेते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूं कि डिस्टेंस तो सेम होना ही चाहिए और ये मैं पी लिख लेता हूं, हाँ, कि पहले हमने पी से माना था। तो देखिए क्या क्या होगा। पहला तो आप इसी को लिख लीजिए कि इस पोजीशन को, हाँ हम लोग लिख रहे हैं थीटा ए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बी वाले का लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कितना, थीटा बी, ध्यान से। तो जो ये हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये आप समझ रहे हो, यही आपका डेल्टा थीटा है। क्या होता है, हम इस बात को लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, एंड ऑफ कोर्स डेल्टा थीटा। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो अभी बात हो रहा है वो ए से बी के बीच का हो रहा है, और अगर आप लिखेंगे तो नो डाउट डेल्टा थीटा यही होता है, थीटा फाइनल माइनस क्या, थीटा इनिशियल। अभी हम लोग ए और बी का बात करेंगे तो वो यही आ जाएगा, थीटा बी माइनस व्हाट, थीटा ए, एग्जैक्टली। अब देखिए जो ये डेल्टा थीटा है वो ये इस थीटा के बराबर ही है, बिल्कुल आप देख सकते हो, हाँ। तो अगर हम लोग रेफरेंस पी ना लेके ए भी लेते तो ये एंगल उतना ही आता। दूसरी बात, अगर हम लोग रेफरेंस को पी कंसीडर कर रहे हैं तो भी आप देखिए ये डिफरेंस उतना ही आता है। क्या बोला जा रहा है कि जो आपने ये लिख रखा है, इनफैक्ट ये भी आपका हमेशा डेल्टा थीटा ही होता है, समझ रहे हैं? हाँ, अगर हम लोग इनिशियल को ही ओरिजिन मान ले या जीरो मान ले तो हम उसको फिर नहीं होता है कि स्टार्टिंग वाला जीरो हो जाएगा, तो जो फाइनल है उसी को हम लोग थीटा बोल देते हैं। बट इनफैक्ट जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा ही डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरीके से यहां पर, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है ना। अब आइए तो हम इस लाइन को नोट भी करेंगे, क्या है एंगुलर पोजीशन बात कर रहे हो, ये आपका रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देखिए अगर ए का रेफरेंस मानोगे तो इनिशियली ए का जीरो हो जाएगा, और अगर आप पी का मानोगे, हाँ, रेफरेंस, तो इनिशियली ए का कुछ एंगुलर पोजीशन आएगा। बट जो डिफरेंस है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो, हाँ, आपका जो है वो आपके रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। लिख लेते हैं, हाँ जी, एंगुलर पोजीशन, पोजीशन में डिपेंड अपॉन व्हाट, अपॉन रेफरेंस, हाँ जी बिल्कुल। बट क्या नहीं होता है, हाँ जी, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, हाँ जी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, थोड़ा से इसमें हम लोग और लिख देते हैं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, रेफरेंस। ये बात है ना,
कि एंगुलर पोजीशन जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। एनीवे हम लोग ऐसे यूज करेंगे, और इनफैक्ट हमेशा ये डेल्टा ही होता है, हम लोग पहले भी डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वालों में बात करें हैं, है ना। नेक्स्ट राइट, अब आते हैं जी, अब आते हैं कि इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या डिटेल में जाएं। तो अगर मैं लिखूं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो आप समझ रहे हो। चलिए मैं अगर सर्कल ड्रॉ ही कर देता हूं, और यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, हाँ, और हम लोग जो भी एंगल ये सब मेजर कर रहे थे, थीटा ये बी है, और ये हम लोगों ने वॉट एवर डेल्टा एस लिख रखा है, राइट। अब बात आता है कि अगर हम इस चीज को लिखें वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो आप जानते हैं क्या, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू जो आता है वो तो डेल्टा एस बाई आर ही आता है, है ना, वेयर आर क्या होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस। नाउ फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अगर आप एंगुलर टर्म्स में लिखेंगे, हाँ, तो हमारा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा 360 डिग्री, बिल्कुल वन रिवॉल्यूशन, आप चाहें तो वन, हाँ, रिवॉल्यूशन, तो ये आता है थीटा 360। अगर आप यहां पर आएंगे तो डेल्टा एस कितना होगा, हाँ जी, डेल्टा एस की बात करेंगे तो वो पूरा सरकमफ्रेंस एक बार, तो वो आ जाएगा आपका कितना, 2πr। ऑफ कोर्स हम लोग वन रिवॉल्यूशन के लिए ही लिख रहे हैं, तो अगर आप लिखोगे तो दिस वैल्यू इज 360 अपॉन 2πr और अपॉन व्हाट r, हाँ जी, और यहां से ये रिलेशन याद रखेंगे हम लोग, क्या है, 360, हाँ, डिग्री, बिल्कुल हम लोग डिग्री में बात कर रहे हैं, ये आपका बराबर आता है 2π, और ये क्या है, रेडियन, हाँ जी, 360 डिग्री और 2π क्या, रेडियन। यहां से इस कन्वर्जन को हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं, दैट इज 180 डिग्री, हाँ, ये आपका इक्विवेलेंट है पाई किसके, रेडियन के, हाँ, हम लोग रेडियन में इसलिए आ रहे हैं कि रेडियन ही हमारा इसका एंगुलर क्या बोलोगे, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है, है ना। सो हम डिग्री को अब जब भी मिलेगा तो हम इसमें कन्वर्ट करके ही बात करेंगे, तो दिस इंप्लाइज कि वन डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो पाई बाई वन, हाँ, 80, और कोई भी अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसको चुपचाप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका जो आएगा वो किस में, रेडियन, राइट। तो हम लोग कन्वर्जन भी यूज करते हैं, और जब भी आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन करना हो यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये ऐसा ही यूज करें। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूं, क्या मैं बात कर रहा हूं कि एफ, हाँ जी, हालांकि ये बहुत बेसिक सी बात है, हाँ, 60 डिग्री, देन फाइन थीटा इन रेडियन, ये कोई बहुत बड़ा सवाल यार नहीं बोलिएगा, बस मैं इसलिए लिख देना चाह रहा हूं सो दैट कि आप लोग ये कन्वर्जन को ध्यान भी रखें, और जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। नाउ सॉल्यूशन की बात करेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप चुपचाप ये काम कर सकते हो। 60 डिग्री इक्वल्स टू आपका आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, और ये किस में, रेडियन, दैट्स ऑल, इतना ही हम लोग लिखते हैं। ये साइन का मतलब तीन इक्विवेलेंट है ना, बराबर नहीं करा जाता है, इक्विवेलेंट। तो एनीवे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो ये, हाँ जी, 3, और ये आ गया पाई बाई व्हाट, 3,
तो जो आपका 60 डिग्री है, अगर आप कभी भी यूज करें, अगर हम लोग लिखें, तो ये हमारे पास आ रहा है क्या 60 डिग्री, ये अब आप ऐसा लिखेंगे पाई बाई 3 रेडियन, राइट। सिमिलरली 30, 45 और कुछ तो स्टैंडर्ड आप लोग याद भी रखे होंगे, है ना, 90 डिग्री आ जाता है पाई बाई 2। तो दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एंगल इन व्हाट रेडियन, और यही हम आगे यूज भी करते हैं और इसी चीज को हम लोग आगे करते रहेंगे, राइट। नाउ और हम लोग इसमें आगे चले रे, तो देखिए जिस तरीके से हमारा एंगुलर वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट आया है, सिमिलरली अगर हम इसका चेंज ऑब्जर्व करेंगे टाइम के साथ, तो एंगुलर वेलोसिटी फिर एंड ऑनवर्ड। ओके सो नेक्स्ट